That I'm here. Hi. Thank you so much. Good morning to you too. Well, I think सबसे पहले तो मैं प्रिया योडा अनिल सर को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी दैट यू नो दे हैड द विजन टू स्टार्ट टाको. देखिए आइडिया ये है कि ये जो हमारा प्लानट है ये हमारा अकेले का नहीं है, ये हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं और हमारी आदतों के वजह से हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं. तो छोटी सी एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि हम हमारे एनिमल्स को सपोर्ट करें, उनकी रक्षा करें, जितना हो सके उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें. और आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ टाको योडा शुरू हुआ था, आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ क्लाइमेट वॉरियर भी शुरू हुआ था. इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद देखा जो ब्रिलियंट काम योडा कर रहा था, और उन्होंने मुंबई में एक बहुत ही सक्सेसफुल फैसिलिटी शुरू की है. वन ऑफ माय पपीज़ मैंने योडा से अडॉप्ट किया है. और मुझे याद है जब मेरे बेबी का नाम ब्रूनो है, जब मैंने ब्रूनो की फ़ोटोग्राफ देखी थी योडा के इंस्टाग्राम पेज पे, तब मैं जानती थी कि ये मेरे घर आ रहा है. और उसने ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी बदल दी. और ऐसे अनेकों इतने सारे स्ट्रेज हैं या डॉग्स फॉर अडॉप्शन हैं जिनको योडा ने सपोर्ट किया है, जिनको योडा ने घर दिलाया है. मेरी पहली एसोसिएशन योडा के साथ तब थी जब ये एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है नामकरण. जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो उनके नाम से एक डॉग को अडॉप्ट करवाते, जो मुझे लगा एक इतना जीनियस आइडिया है और इतना सक्सेसफुल आइडिया है. अभी भी अगर मैं कोई एनिमल को डिस्ट्रेस में देखती हूँ या किसी एनिमल को अडॉप्शन की ज़रूरत है या रेस्क्यू की ज़रूरत है, मैं प्रिया को फ़ोन करती हूँ. उन्होंने इतना इनक्रेडिबल काम किया है. तो आई थिंक इसी इंटेंट के साथ हम यहाँ आए हैं कि इतनी गर्मी में आप सोचिए हम सभी गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं रोड पे वो कैसे झेल रहे होंगे. ना उनके पास पानी है, ना उनके पास छत है, उनके पास कभी कभार बेसिक खाना भी नहीं होता. हम हमारे तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जितनी भी ज़रूरतें हो सके उन ज़रूरतों को पूरा करें. और मैं योडा टाको और प्रिया को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमने कोलैबोरेशन किया. हमारा एम है कि हम 500 वाटर बोल्स अक्रॉस दी एरिया डाले, और इस सक्सेसफुल एक्टिविटी के बाद ऐसी अनेकों एक्टिविटीज़ करें जिससे जितने भी लोग इंस्पायर हो सके हो पाए. प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इतने टाइम से जुड़ी हैं इसके साथ, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहती हैं सभी के बीच, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी जानवरों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस जो आप. आई थिंक द मेन थिंग, और मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है लेकिन जो भी वो बोलूँगी दिल से बोलूँगी. आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि अगर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए कि जितना उन लोग कर सकते हैं, यू नो, खुद के लिए, खुद के बियॉन्ड, इफ अ पर्सन कैन सी बियॉन्ड देम सेल्व्स एंड लुक एट आर एनवायरमेंट, लुक एट आर एनिमल्स, यू नो, आपकी कम्युनिटी में जो एनिमल्स है बस उनका ख्याल रखो, एटलीस्ट उनको खाना देना, उनका वैक्सीनेशन कराना. अगर कोई किसी एनिमल को देखे जिसको चोट लगा है, उनको आपके क्लोजेस्ट वेटनेरियन या एनजीओ के पास लेके जाना ट्रीटमेंट के लिए, इतना भी आप करोगे तो दुनिया भर की डिफरेंस बनेगी. तो एक खाली वो अवेयरनेस अगर जाग जाए लोगों के अंदर कि हमारे अलावा भी, जैसे भूमि जी कह रही थी, इस प्लैनेट में और भी साथी रहते हैं, और दे हैव एज मच राइट टू दिस वर्ल्ड एंड हैव एज मच राइट टू अ हैप्पी एग्जिस्टेंस एज वी डू. सो once that awareness, you know, comes to light, and once we make sure that we're taking care of them, we're doing just these little simple things every day for their happiness, that in itself will create magic. Mummy ji, hum awareness ki baat kar rahe hain, humne aapki bahut sari movies dekhi hain, isse kahin na kahin kuch na kuch message sabhi ko milta hai. Ji. जी मैं तो रुकी हुई हूँ. मुझे लगता है एनिमल वेलफेयर को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. आई रियली होप कि हमारे आज ये इंटरव्यूज़ देख के कोई फिल्म मेकर एक अच्छी कहानी लाए और हम इस पर कोई फिल्म बना पाए, बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी जो सुकून और खुशी एनिमल्स आपके लाइफ में लाते हैं, वो अनकंडीशनल लव आपको कोई नहीं दे सकता. एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद जब मैं घर जाती हूँ, मेरे दो पपीज़ इतना प्यार देते हैं, ऐसे भागते हुए आते हैं, उनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं.
और यही प्यार हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाकी एनिमल्स तक भी पहुँचाए जिनके पास शायद एक घर ना हो. जितना हो सके, मैं यही कहती हूँ, जितना हो सके अडॉप्ट कीजिए. यू नो, जितना हो सके, जैसा प्रिया ने कहा, जैसे आपके दिल में एम्पथी आ जाएगी ना, जैसे आपके दिल में वो प्यार आ जाएगा कि अगर आप एक स्ट्रे डॉग या एक स्ट्रे कैट या यू नो किसी की भी हेल्प एक हैबिट बना दे रोज़ करने की, तो आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा दुनिया में. आई एक्चुअली रिमेंबर दिस इंसिडेंट, और मैंने प्रिया को ये वीडियो भेजी थी बिकॉज वो मेरी इन मैनी मैनी वेज वो मेरी इस कॉज के लिए एक वॉरियर है. तो जब भी कुछ होता है मैं तुरंत इनको वीडियो भेजती हूँ. अब मुझे पता नहीं वो हिंदुस्तान के कौन से पार्ट की वीडियो थी, लेकिन मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब हुई थी उससे, जहाँ पे एक हॉर्स था, एक घोड़ा था, जिसके ऊपर कम से कम 8 लोग बैठे हुए थे और पटाखे जला रहे थे, और वो परेशान था, और आप देख सकते हैं कि वो परेशान था. उसके ऊपर खड़े होके नाच रहे थे, कूद रहे थे. अभी तक वो वीडियो मुझे हॉन्ट करती है. मैंने हमने बहुत कोशिश की कि हम वो ट्रैक डाउन कर पाए, पर हम नहीं कर पाए. बट मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ क्रूअल्टी बंद कीजिए. आप कैसे कर सकते हैं, यू नो, जब आप ही सोचिए, वो एक जान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चीज़ें महसूस होती है, उन्हें गर्मी लगती है, उन्हें सर्दी लगती है, उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, वो एक जान है. हम सालों सोशल कंडीशनिंग ऐसी रही है कि जब हम किसी इंसान को भी जानवर बुलाते हैं, हम एक बहुत गंदे वे में बुलाते हैं. वो गलत है. जानवर भगवान का रूप है, वो सबसे प्योर चीज़ है. तो जानवर एक गाली नहीं, जानवर एक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शब्द होना चाहिए. तो हमें हमारी थिंकिंग बदलनी ही होगी, हमें हमारे जानवरों को प्यार करना ही होगा. ना रियली होप कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए. आई थिंक वी ऑल आर योर फॉर दैट. ये तो यू नो वी वांट टू मेक अ मूवमेंट. ये एक पूरी देश की एक बदलाव लाना है हमको. यू नो टाको एक योदा से शुरू हुई थी, लेकिन टाको एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सब उसके अंडर लाएंगे. बेस्ट इन क्लास, जो दुनिया में बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सकता है, इनके लिए हम करेंगे. हर स्टेट में करेंगे, और हम इनवाइट करते हैं दूसरे कंपनीज़ को, दूसरे लोग को, जो भी ज्वाइन करना चाहता है. यू नो इसको इतना बड़ा मूवमेंट बनाते कि एक इंडिया एक वो देश रहे, जो महात्मा गांधी का एक सपना था. वो बोलते थे कि द मोरल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. एंड अगर हम सब जुड़ के ये एक देश बनाए जा, सब यू नो लोगों के अलावा एनवायरनमेंट, एनिमल्स, सबका देखभाल हुआ. यू नो शुरू से हम एनवायरनमेंट का पूजा करते हैं, शुरू से हम यू नो दिस इज समथिंग दैट्स देयर इन आवर इंडियन कल्चर टू लुक आफ्टर एनिमल्स, टू बी पीसफुल. एंड इफ वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ यूनिवर्स इन इंडिया एंड हैव अदर कंट्रीज रेप्लिकेट अस, व्हाई नॉट. सो लेट्स गेट टुगेदर. वी इन्वाइट एवरीबॉडी हु पॉसिबली कैन टू कम एंड जॉइन अस इन दिस. No, I can't. I would like to, but I can't do it. But I've spoken about this. I have 4 more films releasing in the next 10 months, whether it's this year or early next year. And the umbrella is very, very wide. So I'm very excited. There's a lot of me that you guys are going to watch. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Okay. Hi. मैं बैठ 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 मैं मियां क्या बात है, बोलो तुम. हाय 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 ह
Opportunity, and this youth here, which is going to drive the nation, is also going to promise us. One place where we stayed, I was quite a loner child, didn't have too many friends, and for me, my best friend, my sibling, was my dog. And I used to come home, and the happiest person at home greeting me would be my dog, and that was the moment I realized that the most unconditional and the most real love and the most innocence there is out there are from these voiceless creatures. And we're in this world, we share this world with animals, we share this world with our environment, and it's only our duty to make sure that we coexist peacefully, that we take care of all of the environment and animals along.
taking care of each other. Like Mahatma Gandhi said, the moral progress of a country can really be judged by its treatment of animals. And that's been said many, many years ago, and it's something we should all follow and make sure, because at the end of the day, this world belongs to all of us, and we all should have an equal opportunity to exist in a fair manner. So Yoda started around 11 years ago, with me, my now husband, then boyfriend, Pooja, who's sitting over here, and Meenal. Four of us started Yoda together. The other day he used to say, "What are you kids up to?" But he gave us so much support, and we learned so much from him and from the ambulance. Now we have three shelters, and we've made an umbrella organization called TACO, under which we look after domestic animals, farm animals, wildlife, all combined, in the best in class possible scenario. So today I'd really like all of you, and 6 in the morning, you've all woken up, you've all come here. That in itself is such an amazing feeling. Let's all get together today and come together for a cause bigger than all of us, for a cause bigger than human beings, for a cause that, ensures that we're here for the world. So congratulations to everyone who's here, because you're already, on your way to do something that not many people usually think about. So let's get together, let's have a great time, let's go out there and let's make a difference together. These little things will definitely create waves. So now I'll call on stage Bhumi, who we're all waiting for. Is it Bhumi's turn? We're all waiting for. Absolute animal lover, climate warrior, does so much, has made so much difference already. Her movies have so much meaning, and we're so glad we have her with us today. So Bhumi. We are on my toes. I'm a short, little, sweet girl. Well, thank you so much, Priya, for that lovely introduction. Thank you, Rupi Ma'am. Thank you, Father D'Souza. And a very, very big thank you to all of you that have come here today for our Waterborne Challenge. I started Climate Warrior 4 years ago. It was a very, very lonely journey, and I feel so proud. And I'm full of gratitude that today I stand here with people that think like me, and this is not a lonely journey anymore. The idea of doing this is purely so that we can set an example of what we can do for our four-legged friends. The fact is, it is really, really hot. I remember how this started. I called Priya up, and I have to make sure that we go around our houses, our colonies, as many people as we know, and we tell them that they can do the same. So kudos to all of you. Thank you so much for coming here today. You all are climate warriors with me. I again want to thank TACO, Yoda, and the institution for hosting us today. Thank you so, so much. We present to you the TACO anthem.
for the Taco team to raise their hands up, because these are the guys on ground every single day in this heat, working hard, thousands of cases, and it's just amazing what they do. So really, please clap for all of them. Thank you so much. How beautiful it is to see those happy faces. It's really great to have all of you. Father, this is the please. Thank you so much for having us today. He's the director of Anglin Technical Educational Head of the parent body for the Western region. Under his able and excellent leadership, Father Anglin has expanded their wings in various areas. Father, please, if you could come say a few words. Let me welcome our renowned celebrities, namely Bhumi Pendekar, Priya, Narwal, Kabbar, and their CEO, Mishras, this morning. That is, cooperate with such organizations when it comes to animal world, when it comes to animal health. So once again, I take this opportunity. Thank you so much for your inspiring words, Dr. D'Souza. A quick announcement for the media person. On the streets, we need that quality too. So I would like everyone to make an effort to see that every person. Thank you so much. We will now proceed to the flag off, and media interaction will happen after the flag off. Please note, media interaction after the flag off. Everyone can slowly add. भाई हट जा मैम एक स्टैंडिंग खड़े होकर मैम बोला
एक कुर्सी हटा दो। थैंक यू। थैंक यू। ओ दिस पीछे हो गए तो पीछे अरे फिल क्लियर करो अभी इधर देखो पीछे से क्लियर तो सब पीछे रहो सब लोग पीछे पीछे भाई सब पीछे रहो मुझे आगे मत जाना जूम करेंगे जूम आगे मत जाना कम 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 क्रॉस है आगे मत जूम करेंगे मैनी थोड़ा सा वो साइड कम 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 मीना कम कम अनुष्का का लेते को फोटो में देना है रखो मतलब सर पीछे ओ भाई ओ दादा प्रिया प्रिया कैन यू कम इन ओ नाइस अरे भाई क्या ये रहा मैडम मैडम अरे मेरा मुख कर रहे हैं अरे ओ नाइस बनी 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 ऑल राइट ये गॉट इट नाउ आई लुक हियर चलो थैंक यू सॉरी एंड मेक सम नॉइज Thank you.